नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर आज वोटिंग चल रही थी, वोटिंग समाप्त हो चुकी है। जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, जो प्रतिशत वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 58.58% इस साल मतदान हुआ है। यानी कि 5 लोकसभा क्षेत्र कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 58.58% जो है लोगों ने वोटिंग किया है। 2019 के मुकाबले इस साल एक बार फिर से कमी देखने को मिली है। वजह गर्मी भी हो सकती है और कई जगहों पर जो है बहिष्कार भी लोगों ने किया है। हालांकि इस मामले पूरे मामले पर जो है बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास तमाम बातों को विस्तार से बता रहे हैं, साथ ही साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार भी मौजूद हैं। दोनों क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। मतदान संपन्न हुआ है। मैं आपको पहले स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि 3 जिला में अभी भी हमको सूचना है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर मतदान हो रहा है। जो भी हम फिगर्स शेयर करेंगे ये अनुमानित है और इसमें बढ़ोतरी होने का आशंका है। हम लोग का 5 संसदीय क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या था 9,322, जिसमें आज मतदान हुआ है, उसमें हम लोगों का 6 बजे तक जो अनुमानित है उस वोटिंग परसेंटेज है 58.58, 6 बजे तक अनुमानित है। लेकिन मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूँ कि अभी भी सूचना हम लोग को मिल रही है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदान जारी है। ये नंबर फिर रिवाइज होगा। तो अभी तक जो 6 बजे तक जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक 58.58% है, जो 2019 में इन्हीं 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत था 62.92। उससे अगर इस अनुमानित पर जाएंगे तो लगभग हमारा लगभग 4.25% हम लोगों का अभी भी कम है। हम लोग इन 5 संसदीय क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड SST के माध्यम से 99 लाख रुपए का नगद जब्त किए और करीब 72,000 लीटर दारू जब्त किए, जिसका मूल्य 2,62,00,000 है। हम लोग का इस आज जो मतदान हुआ उसमें 11,787 कंट्रोल यूनिट, 11,769 बैलेट यूनिट और 12,665 VVPAT का उपयोग हुआ, जिसमें 59 कंट्रोल यूनिट, 53 बैलेट यूनिट और 188 VVPAT मॉक पोल के दौरान बदले गए, 36 कंट्रोल यूनिट, 36 बैलेट यूनिट और 275 VVPAT मॉक पोल के पश्चात बदले गए हैं। द्वितीय चरण में किसी तरह से इमरजेंसी को मीट करने के लिए हम लोग एयर एम्बुलेंस पूर्णिया में स्टेशन किए थे। कुल मिलकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य प्रेक्षक इन 5 संसदीय क्षेत्र के लिए 5 सामान्य प्रेक्षक और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 6, पुलिस ऑब्जर्वर 3, इस प्रकार कुल मिलकर 14 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी। माइक्रो ऑब्जर्वर्स 1203 का नियुक्ति हुआ था। कुल मिलकर 37 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। पूर्ण रूपेण महिलाओं का से संचालित मतदान केंद्रों का संख्या 29 रहा। PWD द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 29 रहा और 4837 मतदान केंद्रों से हम लोग का लाइव वेबकास्टिंग हुआ है। द्वितीय चरण में कुल 50 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 47 एवं महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3। आज के मतदान में करीब 94 लाख मतदाता सम्मिलित थे, जिसमें 48 लाख के आसपास में पुरुष एवं 45 लाख का महिला और थर्ड जेंडर का 306 है। सेवा निर्वाचकों की संख्या लगभग 11,600 है। 11 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का बहिष्कार हुआ, जिसमें किशनगंज संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाला 56 अमौर में 8 विधानसभा क्षेत्र में बहिष्कार हुआ, भागलपुर में 2 मतदान केंद्र पर और बांका में 1 मतदान केंद्र, कुल मिलकर 11 मतदान केंद्र पर बहिष्कार हुआ। आज मतदान के दौरान 71 शिकायत प्राप्त हुई, सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन किया गया है।
इसके अलावा हम लोग आज बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा और हम लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में माइकिंग सिस्टम के माध्यम से भी हम लोग प्रेरित करने का कोशिश किया कि मतदाता अपने घर से बाहर निकले और वोटिंग करें। कुल मिलकर के बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जैसे मैं आपको बताया, जो फिगर मैंने दिया हूँ वो 6 बजे तक था। अभी भी कुछ मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है, ये रिविजन होगा। हम लोग को आज देर रात तक जब सभी पार्टी अपनी अपनी कलेक्शन सेंटर में पहुंचता है उसी समय हम लोगों को सही फिगर मिलेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडीजी साहब। सर सर एक चीज़, पीसी वाइज ठीक है, व्हाट कैन बी द रीजन सर बिहाइंड दिस लो टर्नआउट? चुनाव विभाग ने तैयार, एक सेकंड, आपका पीसी वाइज आपको बता दूंगा। मैंने आज जो हुआ है किशनगंज का लगभग किशनगंज का 64% है, कटिहार का 64.6% है, पूर्णिया 59.94% है, भागलपुर 51% है और बांका 54% है। कुल मिलके 58.58%। नहीं, रिपोल कल डिसीशन होगा, कल स्क्रूटनी चलेगा ऑब्जर्वर साहब का सामने, उसके बाद ही रिपोल के बारे में निर्णय होगा, अभी नहीं। क्षेत्रों में कुल 30 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ, जिसमें बांका जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र कटोरिया और बेलहर में 102 मतदान केंद्र और 146 मतदान केंद्र, यानी कुल 248 मतदान केंद्रों पर 4 बजे तक मतदान हुआ। उसके अलावा सभी बूथों पर 6 बजे तक मतदान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो पिछली बार से अधिक संख्या में ज़्यादा समय इस बार वोटरों को मिला। अभी भी कई स्थानों पर लाइनें लगी हुई हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति 6 बजे तक लाइन में लग गए थे, जब तक आखिरी व्यक्ति अपना वोट नहीं डाल देगा तब तक पूरी पुलिस की अरेंजमेंट और सारा अरेंजमेंट बना रहेगा। तो जैसा सीओ साहब ने बताया, अभी भी मतदान कुछ जगहों पर चल रहा है, जब वो क्लोज होगा तो फाइनल टर्नआउट आपको बताया जाएगा। स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए इस फेज में लगभग 42,000 सुरक्षाकर्मी और 18,600 गृह रक्षक बलों की तैनाती की गई। सुदूर क्षेत्रों में घुड़सवार दस्ता एवं नदी क्षेत्रों हेतु नाव से निगरानी की भी व्यवस्था की गई। जैसा आप लोगों को पता है, भागलपुर, नौगछिया का दियरा, कटिहार का दियरा तमाम ऐसे बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र थे, जिसमें इस बार 30 नाव और 20 अश्वारोही दल यानी माउंटेड पुलिस की हमने व्यवस्था की। साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता, वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी उपयोग किया गया। इन सभी के पिक्चर्स और फोटो को हमने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं। लगातार बिहार पुलिस द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद एवं आदर्श आचार संहिता की तिथि से लगातार छापामारी, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही साथ सुरक्षा बलों द्वारा एरिया डोमिनेशन, डी माइनिंग, रूट सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की गई। इस द्वितीय चरण के लिए 1799 वल्नरेबल टोलों की पहचान की गई और बड़े पैमाने पर गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, सेकेंड फेज का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी भारत नेपाल की, दूसरी तरफ अंतर्राज्यीय जिलों में वेस्ट बंगाल और झारखंड की बहुत बड़ी सीमा से लगा हुआ चुनाव था। इस अवसर पर हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 चेक पोस्ट, अंतर्राज्यीय 47 चेक पोस्ट और उसके अलावा अंतर जिला एवं जिलों के अंदर कुल 195 चेक पोस्ट सहित कुल 278 चेक पोस्ट लगाए, जो चुनाव के दिन तक कार्यरत रहे, जिसके कारण ये चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस अवसर पर निरोधात्मक कार्रवाई का मैं ब्यौरा दे दूं, कुल 16 मार्च यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से अभी तक 29,250 लोगों को बाउंड डाउन किया गया और 490 अपराध कर्मियों के विरुद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस अवधि में फेज 2 के जिलों में 106 हथियारों की बरामदगी की गई और इसी अवसर पर लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए 2,927 लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करा लिया गया।
बिहार पुलिस के द्वारा इस अवधि में करीब 30 लाख रुपए जब्त किए गए। अवैध शराब की बरामदगी 34,384 लीटर हुई और लगभग 21.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों को भी हमने जब्त किया। बिहार पुलिस के द्वारा कुल जब्त की गई सामग्रियों की वैल्यू 4,40,00,000 रुपये पाई गई। इस अवसर पर आदर्श आचार संहिता के 20 मामले प्रतिविधित हुए, सभी में यथोचित कार्रवाई की गई और आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी गई, फेक न्यूज अफवाह फैलाने वालों पर भी यथोचित कार्रवाई की गई। मतदान के क्रम में आज सुबह 7 बजे से लेकर अभी जो मतदान चल रहा है उसमें अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 126 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें किशनगंज में 20, कटिहार में 31, पूर्णिया में 29, भागलपुर में 46 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पूर्णिया में एक वाहन और 1 लीटर शराब भी आज बरामद की गई। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना या किसी भी झगड़े की सूचना नहीं है। तो आपने सुना है दोनों को सीधे 58.58% जो है मतदान 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। देखिए जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही थी, जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी उससे यही लग रहा था कि इस बार बाजी बिहार के लोगों के द्वारा मारी जानी है। मगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के मुकाबले इस साल कमी देखने को मिली है। बहरहाल आने वाले दिनों में पता लगेगा कि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ किसने कहां पर बाजी मारी है। इसका मैं बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।